हेलो गाइस, आई एम हर्ष। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन फिगर 6.19 एक पहले तो डायग्राम दे रखा है। जो फिगर दे रखी है ना, उसको हमेशा बना लेना चाहिए मैथ्स में। ए बी सी डी एफ और यहाँ पे आ गया ई। ठीक है, इसमें बोलता है इन फिगर 6.19, ये 6.19 है बुक के हिसाब से, जो डी ई है, डी ई है जो है पैरेलल है भाई ए सी के, ओके जी। डी एफ जो है पैरेलल है ए के, ओके जी। तो प्रूफ करने में बोल रहा है कि बी एफ अपॉन में एफ ई इजिकल टू बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा भाई। हम तो कर देंगे, आप सीख के कर दो, बढ़िया। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है इसमें, जो डी ई है, डी ई है पैरेलल है भैया आपके ए सी के, ठीक है। एंड जो डी एफ है पैरेलल है आपके ए ई के, ठीक है भाई। हमें प्रूफ क्या करना है, जो बी एफ है, बी एफ बॉयफ्रेंड वाला नहीं, वैसे बी एफ फिगर दे रखी है, अरे बी एफ बॉयफ्रेंड वाला समझ लो, बी एफ इज अपॉन में एफ ई बी ई अपॉन में ई सी। अब हम प्रूफ करने चलेंगे भैया, आप भी चलें, हम भी चलते हैं। बात करें बी एफ अपॉन में एफ ई और ई सी और बी ई अपॉन में ई सी, ठीक। अब हम पहले कौन से ट्रायंगल की बात करें, इसकी या इसकी, चलो ए बी सी की ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक। इसमें ये और ये क्या है, पैरेलल है। गिवन है भाई डी ई जो है पैरेलल है ए सी के, तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, इफ द टू साइड्स आर पैरेलल देन इट्स बिलोंग्स टू द बी पी टी। बी पी टी में तो होगा तो क्या प्रोपोर्शनल थ्योरम बनेगी, प्रोपोर्शनेट वो बनेगी बी डी, ठीक है, अपॉन में बी ए, बी डी अपॉन में बी ए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी। एक बार थोड़ा सा अलग से फिर से बना देता हूँ ताकि जरा अच्छी तरह से समझ आ जाए। ए बी ये सी, इस फिगर में से बना रहा हूँ, इस फिगर में से बना रहा हूँ, याद रखना ये बात। ए बी सी, ए बी सी, ये मैंने किसमें बात की, ए बी सी ट्रायंगल की बात की। अब ये और ये डी ई जो है पहले, मैंने ये अभी थोड़ा सा पार्ट हटा दिया ताकि थोड़ी फिगर सही से क्लियर आउट हो चुके हो सके, सॉरी हिंदी भी कभी भी गलत बोल जाता हूँ मैं तो। डी ई जो है पैरेलल है ए सी के, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये पूरी क्लियर है, हम इस ए बी सी के ट्रायंगल में हम इसकी बात कर रहे हैं। बी डी अपॉन में, अरे बी ए को ले लिया, डी ए होगा सॉरी, बी डी अपॉन में डी ए, बी ई अपॉन में ई सी, ये हमारा पहला पॉइंट है। फिगर से एकदम सही से समझ आ गई कैसे आई, बी डी अपॉन में डी ए बी ई, बी ई सॉरी बी ई अपॉन में ई सी, क्यों, बिकॉज ऑफ बी पी टी, ये रीज़न हमेशा लिख के आने चाहिए, ठीक। अब हम बात करिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन ट्रायंगल। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, हाँ, इन ट्रायंगल बी ए ई, इसकी भी थोड़ी सी ज़रा बात ही कर लें, बी ए ई की, बी ए ई। अब जरा इसका थोड़ा सा अलग सा फिगर बना देता हूँ ताकि बड़े प्यार से समझ आए आपको भी। बी जो मैं वर्टिसेस लिख रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से देखना, बी ए ई, सी नहीं लिखा, सी आगे का है, ये मैंने पार्ट हटा दिया समझाने के लिए, ठीक। इसमें बोला है कि जो ए ई है पैरेलल है किसके, डी एफ के, डी एफ, ठीक है। सेम चीज़ वही चीज़ बना देंगे, पहले फिगर बना देंगे, बी डी अपॉन में डी ए इजिकल टू बी एफ और दैट वन अपॉन में एफ ए, ठीक। ये हमारा सेकंड पॉइंट, क्या रीज़न होगा भाई साहब, बी पी टी, ठीक, समझ आ गई इतनी बात। अब हम बोल सकते हैं कि भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को लेके बी डी अपॉन में डी ए इसके इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये और दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। बी ई अपॉन में ई सी इजिकल टू
BF अपॉन में FE, ठीक। ये आपका हैंस प्रूव्ड हो चुका है, पता ना हो तो एक बार दोबारा दिखा दो, ये नजर है इसके प्रूफ्ड, बस ये फिगर इधर है, ये फिगर इधर है इसमें, दैट्स इट, और कुछ अलग नहीं है, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो पर जाएँ।